सांसद नायाब सिंह सैनी ने आज कैथल के पुलिस लाइन ग्राउंड में गणतंत्र दिवस समारोह पर ध्वजारोहण किया। उन्होंने पुलिस, होमगार्ड व एनसीसी स्काउट्स और गर्ल्स गाइड्स की परेड की सलामी ली और जिलावासियों को संबोधित करते हुए अमर वीर शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की। नायाब सिंह सैनी ने कहा कि आज हम 74वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। इस अवसर पर आज राष्ट्रीय ध्वज फहराना मेरे लिए बड़े गर्व और सौभाग्य की बात है। खुशी के इस मौके पर मैं आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। उन्होंने कहा कि 1950 में आज ही के दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। इसी संविधान के कारण हम सभी को सम्मान, न्याय, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार मिला। आज इस अवसर पर मैं बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर सहित संविधान सभा के तमाम सदस्यों को नमन करता हूँ। पुलिस पुरुषों की टुकड़ी जिसकी कमांड कर रहे हैं SI गजेंद्र सिंह और उसके तुरंत बाद हरियाणा महिला पुलिस की टुकड़ी जिस टुकड़ी की कमांड कर रही है SI है, सबकी जिम्मेदारी है। फ्रांस, रूस, अमेरिका, जर्मन ज्यादा दुनिया सारी है। राफेल अपने निराश को भी सब तरह से प्यारी है और तीन रंगों का ध्वज तिरंगा सबके ऊपर भारी है। इसके बाद हरियाणा पुलिस पुरुषों की टुकड़ी इस टुकड़ी की कमांड कर रहे हैं SI विजेंद्र सिंह। हरियाणा महिला पुलिस की टुकड़ी इसकी कमांड कर रहे हैं शायद SI सोनिया फोगाट। बिल्कुल मंच के सामने मौनगार्ड की टुकड़ी इसके बाद कमांडर किशोर कुमार। एनसीसी आर्मी डिवीजन लड़कों की टुकड़ी इसके तुरंत बाद इस टुकड़ी की कमांड कर रहे हैं रवि कुमार। गर्ल्स गाइड की टुकड़ी राष्ट्रीय कला वरिष्ठ नाटक विद्यालय कैथल की टुकड़ी इस टुकड़ी की कमांड कर रहे हैं विकास। और प्रजातंत्र के प्रहरी इस टुकड़ी की कमांड कर रहे हैं देवराज ठाकुर राष्ट्रीय वरिष्ठ कन्या नाटक विद्यालय कैथल। बिल्कुल मंच के सामने से अपने गंतव्य स्थान की ओर रवाना होते हुए मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से क्या होता है हौसलों में उड़ान होती है। स्वतंत्रता सेनानी व उनके परिजन, सम्मानित बुजुर्गों, माताओं बहनों, नौजवान साथियों, जिला प्रशासन के अधिकारीगण, पत्रकार एवं छायाकार बंधुओं, प्यारे बच्चों, आज हम 74वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। इस अवसर पर आज यहाँ राष्ट्रीय ध्वज फहराना मेरे लिए बड़े गर्व और सौभाग्य की बात है। खुशी के इस मौके पर मैं आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। भाइयों बहनों, सन 1950 में आज ही के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। इसी संविधान के कारण हम सभी को समान न्याय, स्वतंत्रता एवं समानता का अधिकार मिला। आज इस अवसर पर मैं बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सहित संविधान सभा के तमाम सदस्यों को नमन करता हूँ। गणतंत्र दिवस के साथ हमारे देश भक्तों के त्याग और बलिदान की एक लंबी गौरव गाथा जुड़ी हुई है। देश को आजादी दिलाने के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद और उधम सिंह जैसे अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने लंबा संघर्ष किया। मैं आज इस मौके पर देश की आजादी के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले सभी ज्ञात अज्ञात शहीदों के साथ साथ उन जाबाज जवानों को भी सलाम करता हूं जिन्होंने आजादी के बाद देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी है। आजादी की लड़ाई में हरियाणा प्रदेश का भी अहम योगदान रहा है। आज भी हरियाणा के नौजवान सेना में भर्ती होना अपनी शान समझते हैं। यही कारण है कि आज भारतीय सेना का हर 10वां जवान हरियाणा का है। आज जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो हमें इस बात का विचार करने की आवश्यकता है